व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग पब्लिक, के हाल चाल, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हाँ, पीछे देख रहे होगे लाइक थोड़ा अपना घर का काम फिर से चालू हो गया है, यहाँ रेती सब चीज़ें आ गई। तो क्या क्या चीज़ें आई मैं बता देता हूँ, पहले फिर देख रहे होगे अपनी रेती की टाइलें, सीमेंट, ईंट, ये सब आ गया है। और ये इस वजह से आया कि क्योंकि अपना अभी रिसेंटली अपना कंस्ट्रक्शन हुआ था, वैसे ये शेड भी पड़ गया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शेड बनने वाला है, तो ये शेड बन गया अपना, अच्छा यहाँ पे सब हो गया है। तो अब मैं बता देता हूँ कि फटाफट अपन क्यों, मतलब किस वजह से अपना ये हुआ था। तो थोड़ा सा दर्शन भी करवा देते हम आपको हमारी घर का, मतलब ऐसे वाटरप्रूफिंग हो रही है, ये भी आ गया है। और सीढ़ियाँ चढ़ते, ये अपना छोटा सा रूम, ये मेरा पीसी का सेटअप, ये मेरा ऑफिस पीसी, भैया तुम्हारा भैया इनमें फैन है। तो हम आ गए हैं ऊपर छत पर। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस पे देखा होगा कि लाइक मैंने मेरी टेरेस पे शूट किया हुआ है, तो यस अपने ये टेरेस का काम होने वाला है। हाय, मुंह पे लाइट लग रही है, हाँ ये सही है थोड़ा। तो दिक्कत ये हो गई है कि भाई लास्ट ईयर बारिश हुई थी, अपन ने काम करवाया था, तो इसमें थोड़ा लीकेज हो रहा है, क्रैक्स आ गए गर्मी की वजह से। और भाई ओ हो, बाकी मतलब बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं, छोटे छोटे क्रैक्स आ गए, उससे पानी लीकेज हो रहा है। और बीच में भी रिसेंटली ये आप देख ही सकते हो कि बहुत सारी जगह पर बारिश हुई भी थी, तो वही बस यहाँ पर भी हो गई बारिश और पानी लीकेज होना शुरू हो गया। तो बस यहाँ का वाटरप्रूफिंग आज होने वाला है, आज तो नहीं मतलब दो तीन दिन चले जाएंगे काम में, और फिर टाइल्स लगेगी यहाँ पे। तो ना ये प्यारा सा टेरेस, एकदम सेक्सी सा टेरेस हो जाएगा, यहाँ पे टाइल्स लग जाएंगी। और अब पता नहीं पापा ने कौन से कलर की टाइल्स सिलेक्ट करी है, आई गेस वो बोल रहे थे कि ये जो यहाँ पे कौन सा कलर है, ये डस्की कलर है शायद थोड़ा, तो मे बी सेम ये कलर की सिलेक्ट करिए, बट देखते हैं, मैंने भी देखी नहीं अभी तक। तो बस देखते फिर आगे कैसा क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहला यार एक चीज़ बताऊँगा कि जो बंदा काम कर रहा है लाइक हम लोग ऐसे मतलब होते हैं कि कोटेशन निकालते हैं कितना क्या होता है, वो कोटेशन तो मैं बताऊंगा कितने का, मतलब फटका पड़ा अच्छा खासा, जानते छोड़ो अच्छा खासा पड़ा फटका। बट बात यह है कि उन्होंने कहा कि मतलब नॉर्मल वाटर प्रूफिंग होता है ना कि वो पॉलीकार्बोनेट का सोल्यूशन डाल दो या फिर लिक्विड उस पर मेंशन कर दो, क्या बोलते हैं, फैला दो, तो थोड़ा और रेटी सब करके जो भी प्रोसेस होता है। जो अंकल जो काम कर रहे हैं ही इज़ लाइक कि हम गुड़ अंडे अच्छे से मिला के वो डालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद उसके ऊपर जो सोल्यूशन होता है वाटर प्रूफिंग का वो डालने वाले हैं। अब वो क्यों करने वाले हैं मेरे को भी नहीं पता, बट इज़ लाइक कि मैं भाई गारंटी देता हूँ पानी लीक नहीं होगा, मतलब ये देसी जुगाड़ है। मैं भी हो सकता है यहाँ सेट नहीं, अगर कहीं गाँव साइड में चल रहा है तो भाई ज़रूर बताना। देखो चलो मैं अपडेट जल्दी मतलब फटाफट दे दूँगा, अभी तक ऑलमोस्ट 9:15 बज गया, ऑफिस का टाइम हो गया, तो मैं चला नाश्ता कर दें, आगे क्या होता है प्रोसेस ज़रूर बताऊँगा। 2 hours later. तो मतलब काम चालू हो गया, अपडेट वो भी निकाल रहे, ये अपडेट है, काम चालू है पूरा, टाइल वाले सब चिपी विपी सब निकल गया, और बस चल रहा है सब, तो चालू है, मतलब जितना भी पुराना सीमेंट है सब निकाल रहे हैं, और पुराना सीमेंट निकलने के बाद फिर टाइलिंग होएगी। रेनोवेशन मतलब टाइल वाइल का काम चालू है, वाटर प्रूफिंग हो जाएगी मस्त दम सेक्सी वाली। और अब जा रहे हैं अभी सैंडी भाई का बर्थडे है, वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, कुछ हुआ था हाँ, तो बस सेलिब्रेट कर रहे हैं रुशिल के, मतलब रुशिल के यहाँ पे आ गया हूँ मैं और रुशिल अब निकलने वाले, मस्त चिल करेंगे, आज पार्टी करेंगे, मतलब शाम का प्लान नहीं था, प्लान पार्टी का प्लान बाद का था, बट आज होने वाली अपनी पार्टी। 1 eternity later. गुड मॉर्निंग पब्लिक, डे थ्री भी नहीं बोल सकते, यू कैन से day 5, मतलब इतना काम हो गया है, टाइलिंग आधी लग चुकी है ऑलमोस्ट, इतनी बाकी है, वो ऊपर की साइड की भी लग गई है, अब देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आज कल में हो जानी चाहिए टाइलिंग सब, तो फिर अच्छा यार ना, मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा है, काले काले बादल आ रहे हैं, और बस देता हूँ अपडेट आगे का। तो भाई मस्त कल लेट नाइट वॉच मचाई हम लोगों ने, लाइक कल संडी दादा का बर्थडे था, अब लफड़ाई हो गया, वीडियो रिकॉर्ड करी, वीडियो रिकॉर्ड हुई नहीं,
मतलब हो गई है, बट उसमें इश्यूज आ रहे कि ऑडियो और वीडियो जो है काफ़ी पिक्सलेटेड आई है। अब वो पता नहीं क्यों मेरे को अपडेट आया था, आई गेस मैंने अपडेट नहीं किया, मे बी वो रीज़न हो सकता है। बट ठीक, इन शॉर्ट बताता हूँ कल क्या हुआ। यहाँ से फिर मैं और रुशल हम लोग सीधा सैंडी भाई के घर पे गए, वहाँ से फिर केक कटिंग करी। ऑलमोस्ट हम लोग 5:30-6 बजे तक पहुँच गए थे, तो केक वेक लेके गए, केक कटिंग हो गई। केक कटिंग के बाद हम लोग मस्ती मजाक चल रहा था लड़के लोग का, तो वही फिर ग्राउंड फ्लोर टू टेरेस, टेरेस टू ग्राउंड फ्लोर, वही भाग दौड़ चल रही थी। बिरयानी मंगाई थी तो बिरयानी बिरयानी खाए, और ऑलमोस्ट लाइक मैं घर पे अराउंड कुछ आई गए 10:30-11 बजे तक आ गया था। फिर वही अपना बस फ्रेश हुए और सो गए। तो एटलीस्ट लास्ट अपना डे, भाई साहब देखो मतलब टाइल्स वाटर प्रूफिंग हो गई, टाइल्स लग गई। मतलब मेरे को रिकॉर्ड करना था कैसे कर रहे हैं, बट मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं किया, मेरे को डस्ट एलर्जी है और मेरे को उसके से बॉडी पर रैशेस हो गए हैं थोड़े, तो रिकॉर्ड नहीं था। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ क्या क्या किया यहाँ पे। पहले ये टाइल्स वाइल्स हम लोगों ने जो पूरा कच्चा खोबा था वो सब तोड़ दिया, उसके बाद इस पे गुड़ अंडे और वो वहाँ पे वो छोटी कैन देख सकते हो, ये कैन पड़ी है ना, इसमें वाटर प्रूफिंग का सोल्यूशन है। तो ये सब मिक्स करके अच्छी, पहले निकलने के बाद वो मस्त क्या कहते हैं धोया। हाँ तो भाई पूरा गोबा धोने के बाद जो कच्चा माल मटेरियल मट्टी सब बह गई, उसके बाद फिर ये तीन चीज़ मिक्स करी, गुड़ अंडा सोल्यूशन, और एकदम पतला पतला करके पूरी जगह पे लगाया, एक दिन रखा। और उसके बाद वही काफ़ी देर कुछ 2-3 इंच की रेती सीमेंट और गेरू बोलते हैं नेरू, वो मिक्स करने के बाद टाइल्स लगाना शुरू हो गई। एट लास्ट टाइल्स हो गई है, और आज आई गेस वो कह रहे थे कि कुछ तो सीन ऐसा है कि वो बोल रहे थे कि आज आके कुछ केमिकल आता है, एसिड या कुछ केमिकल है, उससे पूरी टाइल अच्छे से धोएंगे, तो जितना भी वो एक्स्ट्रा सीमेंट होता है या अनवांटेड सीमेंट होता है पूरा निकल जाएगा, और वो निकलने के बाद वाइट सीमेंट से या फिर जो भी हो वो सीमेंट लगा के टाइल प्रॉपर पैकिंग हो जाएगी इसकी। तो बस आई गेस आज लास्ट डे होगा, लास्ट डे आज फुल फाइनल अपना हो जाएगा टाइल्स वाइल्स का। मतलब ये मगजमारी ख़त्म यार, वो डेली का मट्टी वट्टी का सीन बस। और मतलब हवा मस्त चल रही है, मतलब घर का अपना काम भी चल रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ डी मार्ट, मतलब थोड़ा घर का सामान लेना है। और बहुत मट्टी हो रही थी और साफ सफाई के चक्कर में मैंने मॉप ही तोड़ दिया, तो मॉप लेना है, पंखा लेना है, और थोड़ा बहुत सामान लेंगे अपन जा रहे हैं। आज मतलब जब तक मैं आ जाऊँगा तब तक पूरा काम खत्म हो जाएगा, एट लास्ट मट्टी वट्टी का सब काम खत्म, टेंशन नहीं कुछ नहीं रहेगा, तो अपडेट देते रहूँगा अपने घर के काम का। मैंने डी मार्ट में इतनी भीड़ देखी, पूछो मैं हजार, मतलब चलने को जगह नहीं, कुछ नहीं लिया मैंने, बस बिस्किट लिए मारीगोल्ड पर, और कुछ नहीं, कुछ मिला ही नहीं जो बाकी सब सामान लेने का था। मेट्रो मॉल आ गया अपन, सेल फटफट आके सबवे लेंगे, सबवे से DIY से पता नहीं किया, तो भी देखते हैं। और आए के साथ इवेंट चाहूँ मैं, अपना सैंडी संदीप जो अपना है बंटा वो है फुल ऑन, नॉट श्योर बट शायद से वही है, पर देख के बता कौन है। यहाँ पे मस्त इवेंट चालू है नीचे, और मेरे को लगा अपना भाई आया रहेगा इवेंट में, वो भी अपना एंकर है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं, तो मैं बस अभी चिल कर रहा नीचे जाके। ये कुछ तो ले लिया, ये भी कुछ तो ले लिया, बिल छोड़ो क्या करोगे देख के बिल कितना हुआ। मतलब प्लान था स्टूडियो में शॉपिंग करने का, बट मतलब इतनी बड़ी लाइन देख के मेरा मन मर गया, तो अपन शॉपिंग नहीं करेंगे अभी, सीधा बाकी का सामान लेके घर पे। मम्मी की चॉइस थी ये वाली एक शर्ट ले ली, ये वाली एक शर्ट ली, एक ये वाली शर्ट है, मतलब दो मैंने देख ली, और ये एक और है, मतलब जो मेरी पसंद है ये वाली टी शर्ट। आई मीन मेरा पेटलू आ गया भाई, ठीक है भैया, बाकी का जो भी सामान है वो सामान लेके घर पे कल्टी, फिर अपन स्ट्रीम करेंगे ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक होप सो। मतलब हमेशा की तरह भरा पड़ा है पूरा फुल ऑन, अपन अपना जा रहे हैं सबवे एज यूजुअल टूजने को, भाई हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी खाओ तो ही मज़ा है, नहीं तो फिर क्या ही कहे। तो अपना आज का ऑर्डर है हरा भरा कबाब और चिकन टेरियाकी, हरा भरा कबाब मेरे लिए है और चिकन टेरियाकी किसी और के लिए है गाइस, सो जज नहीं करने का, मैं बताऊंगा किसके लिए है। हाँ, बस करेंगे सब लेके हो गया है, मतलब घर पे खाने का प्लान है, यहाँ भी मतलब अकेले बंदा क्या ही खाएगा यार, घर पे भाई कैसे खाऊँगा मस्त। मम्मा वॉज लाइक कि मेरे लिए भी ले आना, सो मम्मा के लिए ले लिया मैंने, मेरे ले लिया भैया के, भाई के लिए लिया छोटे वाले। यस अभी जा रहे हैं अपन रिलायंस स्मार्ट, वहाँ से मॉप देखते हैं कितने का मिला, अगर मिला तो सही है, नहीं तो फिर सीधा कर पे कैंसिल हो गया। मम्मी बोल रही मॉप मत लो क्योंकि ऑलमोस्ट 1200 का था, एंड शी वॉज लाइक दो
अपन लोकल स्टोर से ले लेंगे जहाँ पे 400-500 का मिल जाएगा। सो आई वाज लाइक ओके, मतलब क्यों 1200 देने जब सस्ते में काम हो रहा है। तो शॉपिंग वॉपिंग हो गई, सीधा घर पे जा रहे हैं अपन। ओके अपने टायर का काम हो चुका है फुल ऑन एट लास्ट फाइनली। सारी यहाँ की टाइल्स लग चुकी है, यहाँ नीचे सब एवरीथिंग इज़ डन। और यहाँ पे कड़प्पा लग गया है, मतलब यहाँ पे कड़प्पा लग गया है जो नहीं लगाने वाले थे बेसिकली, बट जिनसे काम करा रहे हम लोग तो वो बोल रहे थे कि आप लगा लो क्योंकि दीवार जो है काफ़ी चौड़ी है, सो बारिश में गीली होगी और अंदर आने पानी आने का चांसेस ज़्यादा है। तो मम्मा और पापा वाला कि चलो अभी इतना खर्चा किया है तो थोड़ा और कर लेते हैं। तो कड़प्पा लग चुका है एंड एवरीथिंग इज गुड। अगर अब तक ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपना बस प्यार दिखा देना, दैट्स इट। मेरे काफ़ी सारे प्लान्स चल रहे हैं आगे के, मैंने कुछ सोच रखे प्लान्स, बट ऊपर वाले ने साथ दिया तो काफ़ी सारी नई चीज़ें लाएंगे। और लास्ट थिंग भाई, मेरे चैनल का नाम मेरे को चेंज करना है डी गेमर पाजी से कुछ नया, तो अगर आपके पास कुछ सजेशंस होंगे तो बिल्कुल दीजिएगा। सो मैं वो अगर नाम अच्छे लगे अपन वोटिंग एंड पोस्टिंग जो भी हो वो सब करेंगे, जो नया नाम बेस्ट रहेगा वो सेट करेंगे अपने चैनल के लिए। सो टिल देन गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।